अंतर्राष्ट्रीय जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोंढाली में माधव बाग द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोंढाली समीप माधव बाग द्वारा 8 मार्च को सुबह 11 बजे महिला दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नागपुर जिला परिषद के सदस्य पुष्पाताई साफले की अध्यक्षता में काटोल पंचायत समिति के सदस्य लता धारपुरे, कोंढाली के पूर्व सरपंच वृषाली माकोड़े, काटोल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ज्योति तिवारी, सुवर्णा साफले इनकी प्रमुखता में विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार किया गया। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूजन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु वर्तमान में जो हालत दिखाई देती है उसमें नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है, लेकिन हमारे संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान कैसे किया जाए इस पर विचार करना आवश्यक है। यह जानकारी कार्यक्रम के अध्यक्ष पुष्पाताई साफले इन्होंने दी। इतिहास उठाकर देखें तो माँ पुतलीबाई ने गांधी जी व जीजाबाई ने शिवाजी महाराज में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया था, जिसका ही परिणाम है कि शिवाजी महाराज व गांधी जी को हम आज भी उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण जानते हैं। इनका व्यक्तित्व विराट व अनुपम है। बेहतर संस्कार देकर बच्चों को समाज में उदाहरण बनाना नारी ही कर सकती है, अतः नारी सम्माननीय है। यह जानकारी कोंढाली के पूर्व सरपंच रुशाली माकोड़े द्वारा दी गई। इस अवसर पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए महिलाओं ने निशुल्क आयोजित कार्यक्रम डॉक्टर ज्योति बांगरे प्रास्ताविक तथा संचलन किया। इस अवसर पर वेदिका आर्विकर का जन्म दिवस भी मनाया गया। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन माधोबाग के प्रशासकीय अधिकारी प्रशांत ठाकरे ने किया था। इस अवसर पर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर नीलेश ठाकरे, डॉक्टर स्वप्निल ठाकरे सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था।